Good morning everyone and welcome to my sociology class. Today my topic is reservation and the policies. So I am Sudhanya Sengupta. Let's start the topic. So reservation system kis liye bana gaya tha India mein? That is the jo group hum logo ke society mein jo group disadvantaged, that means jo log education इकोनॉमी पॉलिटिक्स सभी से जो लोग पीछे रह गए हैं उस उन लोगों के लिए ही ये जो रिजर्वेशन है उसको बनाया गया है. तो इज देयर रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स इन इंडिया? अ नंबर ऑफ द पॉलिटिकल पोजीशन एंड द यूनिवर्सिटी पोस्ट आर हेल्ड टू द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन. स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, that is the inclusive class, scheduled tribe, that is the woman in the some cases there are the reserve constituencies in the both parliamentary and the state assembly election. So this is in politics mein ye thoda thoda reservation hai. Not only the scheduled class, scheduled tribe, woman ke liye bhi. So reservation is primarily given in three groups, that is scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, that is the OBC. So as the SC/ST and OBC respectively, reservations are meant to the prevent caste supremacists from the outright denying of the less privileged their right to the learn together altogether. So ye kis liye ये किया गया है? मेनली एक चीज आप लोग समझिए कि रिजर्वेशन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, ये एससी एसटी ओबीसी इन लोगों को अनप्रिविलेज्ड के दायरे में रखा गया है. तो रखा गया था तो इसीलिए इन लोगों को अपना ये जो सोसाइटी का अदर कास्ट है ये उन लोगों को डिनाई करते हैं, उन लोगों को अपने अधिकार, अपने पावर, अपने जो हक है उसको देने में डिनाई करते हैं. तो इसीलिए लेस प्रिविलेज्ड इन लोगों को बोला जाता है. तो अभी इसीलिए रिजर्वेशन शुरू हुआ था. मेन पर्पस ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, मेन पर्पस क्या है? ये लिया कहा गया कहाँ से? नेटिव अमेरिकन्स ऑफ लैंड्स ऑफ द यूरोपियन अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन्स और यूरोपियन अमेरिकन्स के बीच में जो गैप था, जो डिफरेंसेस थे, वहाँ से रिजर्वेशन सिस्टम लिया गया था. इन इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम किस लिए लिया जाता है? कि जो लोग अनप्रिविलेज्ड है, जो लोग प्रिविलेज्ड है, उन लोगों को सही मायने में एक लाइन में, एक ही रो में खड़ा कर दिया गया. तो इसीलिए अगर आप एक देश को चलाना चाहते हैं, एक नेशन को चलाना चाहते हैं और नेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब बैकवर्ड क्लास, SC/ST, ये सब रहने से प्रॉब्लम आ जाता है. तो हाँ, इससे कंपटीशन बढ़ता है, तो ये प्रिविलेज क्लास के समान समान एक कंपटीशन में आता है. तो अपने जो काबिलियत है उसको प्रूफ करता है. तो ये है सोशल कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब इसीलिए रिजर्वेशन सिस्टम किया गया है. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर नाउ. प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, गुड बाय.